कीर्ति, क्या बनाया है ये? वाटर डिस्पर्सर का मॉडल हम लोगों ने बनाया है। किस काम आता है ये? अगर जैसे कि मतलब ये पब्लिक प्लेसेस में वाटर स्टोर करने के लिए आता है, क्लीन वाटर, हॉट और कोल्ड वाटर, पब्लिक प्लेसेस में, हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट। अच्छा, ये सब बनाने में किसका सबसे बड़ा सहयोग रहा? हम टीम वर्क, हमारी क्लास टीचर मैम हमको एडवाइस देती रही कि बेटा ऐसा करो, और हम लोगों ने टीम वर्क करके ये बना लिया। सभी लोगों ने मिलकर बनाया। यस मैम। यस, अविका गुप्ता। मैम आस्था। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही बच्ची बहुत सुंदर लग रही है। और तुम्हारा क्या नाम है? मारिया खातून। सभी लोगों ने पूरी टीम के साथ? काव्या। आप भी इसी टीम में हो? हाँ। हम छह लोग एक ही टीम। अच्छा, छह लोगों की टीम ने जो है बना करके? यस मैम, हम लोग को स्टेट मिला था कि आप लोग एक, हम लोग की क्लास को एक स्टेट मिला था कि आपको राजस्थान की ड्रेसअप होके आना है, तो हम लोग राजस्थान। अच्छा, ये जो ड्रेस आपने पहनी है राजस्थानी है? यस मैम। अच्छा, इस तैयार किया है, क्या नाम है बेटा? मैम वोल्केनो। किस क्लास में हो? मैम क्लास सिक्स। ये क्या तैयार किया आपने? मैम वोल्केनो। जी मैम वोल्केनो। ये किस काम आता बेटा? मैम इस पे हम लोग सारा सामान डालेंगे। हाँ। तो एवर करें। अच्छा अच्छा, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहती हूँ? जैसे कि ये तैयार किया है आपने, और ये जो है बच्ची है, और आज आप साड़ी में बहुत अच्छी लग रही। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनन्या। मतलब हम लोग के यहाँ साइंस एक्सपो एग्जीबिशन था, इसलिए मैंने ये तैयार किया, और इसे ये पता चलेगा कि जब ज्वालामुखी फटता है तो वो उसमें क्या क्या होता है। अच्छा अच्छा, आज जो आपने ड्रेस पहनी है, ये ड्रेस यहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने बोला था कि ड्रेस ऐसे पहन के आना, इससे लोगों को क्या मतलब संदेश मिलता है? कि मतलब अलग अलग स्टेट्स के बच्चों ने अलग अलग चीज़ें बनाई। अच्छा अच्छा, अलग अलग से और भी दिखाते हैं पूरे जो है कॉलेज में। क्या नाम है आपका? अमिति। किस क्लास में? सिक्स। क्या बना के तैयार किया है? ये सॉइल प्रोफाइल है पूरी। अच्छा। मतलब इसमें सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताया गया है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, सॉइल के लेयर। किस काम में यूज़ किया जाता है इससे? मतलब जानने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमारे प्लांट्स कहाँ तक हैं, प्लांट्स की रूट्स, वाटर का लेवल कहाँ तक है, सॉइल के बारे में जानने के लिए। अच्छा अच्छा, तो अकेले ही तैयार किया या फिर आपकी टीम में कोई है? नहीं, मैं और मेरे फ्रेंड ने रेडी किया। अच्छा अच्छा, आप दोनों मिल करके बनाई हो? यस। क्या नाम है आपका? अखंड वर्मा। किस क्लास में हो? सिक्स। नव्या वर्मा। किस क्लास में? आई एम फ्रॉम क्लास सिक्स। एक ही क्लास के बच्चे हो सारे? यस सर। अच्छा, ये जो आपने तैयार किया है तो ये किस मतलब काम में आता है, और इससे लोगों को क्या संदेश मिलता है? ये एक बैलेंस डाइट का व्हील है, जिससे अगर हम लोग इस बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे तो हम लोग भी हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। ये हम लोग का हेल्दी रहने में, फिट रहने में हेल्प करता है। इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक राइट अमाउंट्स में होते हैं। अलग अलग तरीके से जो है यहाँ मैम वी मेक दिस प्रोजेक्ट, एंड मैम फर्स्ट प्रोजेक्ट इज मैम डैम। अच्छा, ये जो आपने तैयार किया है इससे ये जो किस काम में यूज आता है, और मतलब लोगों को इससे ये जो फार्मर के लिए मैम ये बनाया गया है, जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी टेक्निक है मैम ये। मैम इससे वाटर बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है, और मैम हमें बस यहाँ एक बार पानी डालो और मैम वही पानी राउंड होते हुए आएगा। मैम ऐसे बहुत ज़्यादा पानी सेव हो सकता है। मैम डैम है मैम, डैम ये पानी के बहाव को संभाल के रखता है और पानी के ओवरफ्लो को स्टॉप रखता है, इससे समुद्र के आसपास के सारे सुरक्षित रहते हैं। पर डैम के टूटने की वजह से वहाँ पे फ्लड आ सकता है, और इस प्रोजेक्ट में हम यहाँ ये दिखा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, वाटर रिसाइकिल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ये मैम यहाँ पे हमने सोलर पैनल लगाया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है, जनरेट करके बैटरी में स्टोर कर देता है। मेहनत तो सबने की है, पर सबसे ज्यादा इन्होंने की है। यस मैम, मोटिवेट करना। यस मैम, मैम मेहनत सबने बराबर की है मैम, लेकिन मैम इन्होंने मोटिवेशन किया, और मैम ग्रुप का मैम इन्होंने इन्वेंट किया है, करने वाला भी। यस मैम, मैम ये लीडर भी, और मैम इन्होंने ग्रुप को बनाई करके जो तैयार की हो। पहले बताओ किस क्लास में? सेवेंथ। क्या नाम है? उस्मान जम। टीम में कितने, पांच लोग हैं? यस मैम। सभी लोग एक ही क्लास में? यस मैम। ये सब क्या बना के तैयार किया? मैम थर्मल पावर प्लांट। ये जो बनाई हो ये किस काम में मतलब यूज आता है, कैसे ये कैसे, थोड़ा सा समझाइए मैम। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हम दिखाते कि मतलब ऐसे तो बहुत सारे तरीके जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, विंड, कोल और वाटर एंड एयर। और इसमें हम लोगों ने ये बताया है कि कोयले से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, और बहुत अच्छा किया है आपने भी, सहयोग किया इन लोगों का।
ड्यू टू थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी गेट प्रोड्यूस्ड। और भी दिखाएं सभी। यस मैम। चार लोगों की टीम है। यस लोगों की टीम ने ये बना करके तैयार किया है, ये सब क्या बनाया? ये सेफ अर्थ मॉडल है। इससे इससे लोगों को क्या, मतलब इसको समझाइए थोड़ा सा कि लोग जानेंगे आपने ये जो मेहनत की है वाकई में। यहाँ पे हम लोगों ने ये बनाया है कि हम लोगों को पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ काटने से जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे जो इंसान है वो पेड़ काट रहे हैं। ये कोकोनट पेड़ है। अच्छा, तो इसे मतलब पेड़ को नहीं काटना चाहिए। जी हाँ, इसका यूज़ करना चाहिए एंड हमें जूट बैग्स का यूज़ करना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। बाकी में बहुत अच्छा है और सभी को दिखा देते हैं। किस क्लास में हो? मैं क्लास सेवेंथ। और बच्चे बहुत ही तेज हैं, मतलब सोच समझ के बात करना पड़ेगा, कहीं हम बच्चों में ही ना फंस जाए। और ये क्या तैयार किया है बना के? मैम सोलर प्लांट पावर। अच्छा, इससे इससे मतलब कैसे बनाया है ये बताओ मैम। किन किन चीज़ों का, सबसे बड़ा सवाल मेरा है, किन किन चीज़ों का इसमें जो है? मैम सोलर प्लावन, मैम मोटर, मैम बैटरी, मैम प्लांट पैनल, मैम सोलर पैनल, मैम लाइट्स से भी चलेगा? यस मैम। इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैम इससे हम ये लोग कहने चाहते हैं मैम सबको मैम सोलर पैनल यूज़ करना चाहिए, इससे पॉल्यूशन ना हो तो अर्थ को मैम सही मैम ओजोन लेयर में मैम कुछ डैमेजेस ना हो इससे। मैम हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी मैम अल्ट्रा वायरस नहीं इस रहा है मैम। मैम जो ओजोन लेयर में अगर मैम वो सन की मैम जो रोइज होती है मैम वो ओजोन लेयर में मैम छेद कर देती है मैम, उससे मैम हमको स्किन कैंसर भी हो सकता है मैम, पेड़ जलने के मैम वो भी हो सकते हैं मैम। ये बहुत ही अच्छा जो है, इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत बधाई हो कि इस तरीके से आपने जो तैयार किया है। सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया है? मैम सारे लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर। यस मैम, बहुत अच्छा है। और क्लास में? क्लास एट्थ। ये सब क्या तैयार किया बना? ये रेन गॉच है। इसे मतलब क्या, कैसे तैयार किया है? इसे हम लोग कार्डबोर्ड और प्लास्टिक बॉटल से तैयार किया। इसे हम लोग इसलिए तैयार किया क्योंकि हम लोगों को पता चल जाए कि कौन सी स्टेट में कितनी बारिश हुई, उसे हम लोग नाप सके बारिश को। हाँ, बारिश को। अच्छा, जैसे बारिश हो रही है उसे पता चल सके। हाँ, कि किस स्टेट में कितनी बारिश हो रही है। अच्छा, ऐसे पता, इससे मतलब इसमें क्या क्या सामान जो है लगा है, किन किन जो है सामान को, या ये तो स्केल के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। इस स्केल के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे दिखा दीजिए, ये जो नंबर पड़े हुए हैं इससे ये आप पता चला सकती है कि मतलब कहाँ कहाँ पे कितनी बारिश होगी। यस मैम, पहले पता कि बारिश होने के बाद? बारिश होगी तब पता चला। बारिश होगी तब पता चला। यस मैम। अच्छा, ये सब जो तैयार किया है आपने, कितनी मेहनत लगी और कितने दिन में तैयार किया है? मैम लगभग 4-5 दिनों में। 4-5 दिनों में तीनों लोग मिल करके? अच्छा, तीनों लोग नाम बताओ। अयशी मौर्य, पारुल सिंह, नैना वर्मा। किस क्लास में? क्लास एट्थ। एट्थ में। अच्छा, ये जब बना रही थी तो इसको पहले मोटिवेशन आपको किसने किया कि ऐसे तैयार करिए क्लास में, या सिखाया जाता था? मैम हमारे आने का हमारा ये पर्पस था कि लोग ये जानें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका क्या मतलब इस्तेमाल होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। मैम इच्छा वर्मा। मैं अनवी शुक्ला। किस क्लास में? मैं एट्थ। दोनों लोग? यस मैम। क्लास में क्या बना के तैयार किया है? मैम हार्ट। हार्ट इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द बॉडी। इट हैज 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एंड राइट आरटीएम, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। अच्छा, इसको बनाने में कितना समय लगा होगा? मैं ऑलमोस्ट 3-4 डेज। तो इसको बनाने में क्या क्या सामान यूज किया आपने? मैम फोम, कॉटन, टिश्यू, न्यूज़पेपर, दीज पीवीसी ट्यूब्स एंड सिरिंज एंड कार्डबोर्ड। इसको बनाने में कितना खर्च आया होगा? मैं ऑलमोस्ट 100 यह है कि सिंचाई कैसे कर सकते हैं, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, पानी को कैसे बचाया जा सके। हाँ। अच्छा, ये देखिए मेंथा का पेड़ लगा हुआ है और कैसे, क्योंकि मेंथा जो है बहुत ही लोग गांव में खेती करते हैं और इस बहुत ही प्रॉफिट भी इसमें कमाते हैं। हाँ, प्रॉफिट तो होता है। हाँ, होता है। पिपरमिंट है इसका, जैसे पिपरमिंट बोलते हैं जी। इसको टंकी में पेड़ को, उसके बाद इसका तेल निकालते हैं, उसको मार्केट में सेलिंग पे वो मतलब 1000 रुपीज लीटर बिकता है, इससे बिकता है लगभग। ये देखिए कि गाँव में जो किसान होते हैं, किसानों के लिए भी जो है मेथा जो है किस तरीके से लोग किसानी करते हैं और किस तरीके से पानी को बचाना चाहिए और भी दिखाते हैं।
किस क्लास, गुड आफ्टरनून, किस क्लास में हो? क्लास 8 जी, क्लास 8। अच्छा, ये सभी लोग एक ही क्लास में हो? यस मैम। टीम वर्क किया है? यस मैम। ये क्या बना के तैयार किया है? मैम, दिस इज अ 3D होलोग्राम। व्हेन वी प्ले एनी वीडियो फ्रॉम दिस फोन, देन द लाइट रिफ्लेक्ट्स हियर एंड द, समझाइए इसके बारे में मैम। क्या क्या लगा होगा इस फोन में? मैम, वी हैव यूज्ड प्लास्टिक शीट एंड कार्डबोर्ड टेप एंड एटसेट्रा फॉर मेकिंग दिस एंड फेविक्विक एंड किस काम में यूज किया जाता है? दिस इज यूज्ड इन थिएटर्स और एनी अदर प्लेसेस मैम, म्यूजियम्स। बहुत ही अच्छा बनाया है। और भी जो है बच्चे हैं यहाँ पर, किस क्लास में बेटा? क्लास 8। सभी लोग? यस मैम। कितने लोगों की टीम है आपकी? 4 लोगों की। अच्छा, 4 लोगों ने मतलब मिला करके ये मैम? अच्छा, मतलब इसके बारे में थोड़ा समझाइए मैम। ये पर्सन टॉक करते एक बीच में तो ये काम आता है मैम। पहले जमानों में ये बहुत यूज होता था मैम। अच्छा, यस मैम। ये पहले पुराने जमाने की बात है ना? यस मैम। हेलो हेलो हेलो, तो आजकल तो ये सब मैम। एंड मैम, वी कैन टॉक इन दिस मैम सीक्रेटली मैम, मतलब सीक्रेट। यस मैम, सीक्रेट बात कर। यस मैम, पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। और ये देखिए जो है पुराने ज़माने का जो ये सीक्रेट बातें भी इससे कर सकते हैं। और भी बच्चों ने कुछ जो है बनाया है। किस क्लास में बेटा? सर मैम, 8th क्लास में। 8th में सभी बच्चे? यस मैम। अच्छा, 4 लोगों ने जो है बना के तैयार किया। ये yes, क्या बनाया है मैम? ड्रिप इरिगेशन। इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और इसमें कितना समय लगा होगा बनाने में? मैम 3-4 मैम 3-4 दिन। 3-4 दिन? यस मैम। सभी लोगों ने मिलकर बनाया? हां, 3-4 दिन में। क्या क्या लगा? वाटर पंप, कार्डबोर्ड्स, 2 कंटेनर्स और भी बनाने का पर्पस क्या है? लोगों को दिखाना कि हम लोग इसके माध्यम से बहुत कम पानी यूज हो सकता है पेड़ों तक पहुंचाने और वाटर को वेस्ट ना करें, यही हमारी दुआ है। अध्यापक की हैसियत से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं देख के बहुत प्रभावित हुआ कि इस, मुझे ये नहीं पता था कि महमूदाबाद में इतनी बड़ी संस्था, इतनी महत्वपूर्ण संस्था यहाँ पर बनाई गई है। और इसके लिए मैं इसके संस्थापक, इसके फाउंडर शिवकुमार गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसकी जो हेड मिस्ट्रेस हैं, स्टाफ के लोग हैं, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने छात्रों को जो है ट्रेनिंग भी दी है, पढ़ाया भी है और बताया भी है। मैं बहुत प्रभावित हुआ बच्चों के जो मॉडल्स उन्होंने पेश किए हैं, जिस तरह से जो हमारे प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं उनको किस तरह से हम पूरी कर सकते हैं उसको उन्होंने किया है। मेरी शुभकामना है कि ये संस्था जो है वो और आगे बढ़े। और मैंने अनुरोध किया है शिव कुमार जी से कि जब इस संस्था में उन बच्चों का भी ख्याल रखें, उन परिवारों का भी ख्याल रखें जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा आगे नहीं हैं, तो इस तरफ से भी उनका ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कहाँ किस पत्थर के नीचे कोहिनूर जो है वो दबा हुआ हो, किसी को पता नहीं है। कौन जानता था कि प्रियांशी पैतेपुर के एक साधारण परिवार से पैदा होकर और सारे हिंदुस्तान में अपना नाम करेगी। वैशाली, वैसे आज बहुत जो कार्यक्रम आपने किया है, वैसे आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही होगी कि बच्चों को मोटिवेट करने में। क्या कुछ कहेंगी बच्चों के भविष्य के लिए? ये एक एब्सोल्युटली रूरल या सेमी अर्बन बेल्ट कहा जाता है, जिसमें बच्चों को घर से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, आर्थिक तरह से भी बहुत बहुत जूझते हैं परिवार। तो हमारे जो चेयरमैन सर हैं उनका एक सपना था और जो एक अपना रूप ले रहा है कि बहुत कम फीस, सेम क्वेश्चन पेपर, सेम स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, बट मतलब 1/4 फीस में उनको वही स्टैंडर्ड देना, वही चीज़ें देना जो अपने आप में ही एक अनोखा एक्सपीरियंस है। स्मार्ट बोर्ड, LEDs से लेके सब कुछ है। हमारे 2 साल पूरे होते होते हम लोगों ने स्कूल इंटर तक चालू कर दिया है, जहाँ पे साइंस आर्ट्स की फैकल्टी आ गई है हमारे पास और वो लोग पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे मैम टोटल टीचर कितने हैं जो ज़्यादातर शहरों से आते हैं? 25 टीचर्स हैं जो शहरों से आ रहे हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स में रुके हुए हैं। कि बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ने आता उसको कैसे मोटिवेट करती है?
जैसे गांव के बच्चे हैं उन्होंने पहले तो ये ऐसा माहौल देखा ही नहीं होता है, तो उन्हें पहले कंफर्टेबल किया जाता है कि ये कोई अलग चीज़ नहीं है और ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। तो पहले उनको वही बताया जाता है कि ये आपके लिए है, ये स्कूल आपका है और आप कोई भी बच्चे अलग नहीं हो, चाहे गाँव से हो, शहर से हो, अमीर हो। कितने दिन से मोटिवेट कर रही थी बच्चों को ये सब, इतना अच्छा कार्यक्रम आज करवा पाए? हम लोग 10 दिन में ये तैयारी की, 10 दिन में तैयार कर लिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।